और मक्के वालों, तुम्हारे रफीक यानी हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीवाने नहीं हैं, और बेशक उन्होंने इस फरिश्ते को आसमान के खुले किनारे पर देखा है, और वो गैब की बातों के जाहिर करने में बखील नहीं, और ये किसी शैतान मर्दूद का कलाम नहीं है। फिर तुम लोग किधर जा रहे हो? ये कुरान तो तमाम जहानों के लिए नसीहत है, यानी उसके लिए जो तुम में से सीधी राह चलना चाहे, और तुम लोग कुछ भी नहीं चाह सकते मगर वही जो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जब आसमान फट जाएगा और जब तारे झड़ पड़ेंगे और जब समंदर उबल पड़ेंगे और जब कब्रें उखेड़ दी जाएंगी, तब हर शख्स मालूम कर लेगा कि उसने आगे क्या भेजा था और पीछे क्या छोड़ा। ऐ इंसान, तुझको अपने रब्बे करीम के बारे में किस चीज ने धोखा दिया।